ये जानना चाहते हैं कि नागा साधुओं का मतलब क्या होता है। बेटा नागा सन्यासी का अर्थ होता है एक। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आया हूँ अध्यात्म नगरी हरिद्वार। कुंभ मेला यहाँ पे चल रहा है। जैसे कि आपको पता होगा कि कुंभ मेला हर 12 वर्षों के बाद लगता है मेला ये, तो हम इस मेले में आए हुए हैं और यहाँ पे बहुत सारे नागा सन्यासी आए हुए हैं। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में कुछ और ये बताएंगे हमें। तो सबसे पहले बात बाबा कि आपका बहुत बहुत सादर प्रणाम है आपके चरणों में। जय हो, खुश रहो बच्चा, भगवान जय जयकार करे आपका। सदा आनंद मंगल रहो और आनंद में रहो। जैसा कि बाबा आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं उत्तराखंड रानीखेत से आया हूँ जी। आप कब से नागा साधु बने बाबा? 1992 में मैं आ गया था जब मैं 8 साल का था और आज मैं 36 साल का हूँ, तो लगभग 27-28 साल मेरे को बाबा बने हो गए हैं। मतलब आप 27-28 साल से नागा बाबा बने हुए हैं। आप किस अखाड़े से आते हैं? हम जूना अखाड़े से हैं। जूना अखाड़े से। बाबा आप अपने बारे में बताएं कुछ, आप पढ़े लिखे कितना है? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कभी जीवन में स्कूल नहीं गया, पर मैंने अपने जीवन में सिर्फ गाय की सेवा करी है, जो गाय की सेवा से ही मेरे पास आज जो कुछ ज्ञान है, जो विद्या है, सब उनकी कृपा से। तो आप बाबा ये जो भभूति लगाए हुए हैं इसका क्या मतलब होता है बाबा? भस्मी का अर्थ होता है भस्म करना। आप जानते हैं एक राखी यानी भस्म, उसको कहा जाता है जो खत्म हो जाता है, जो राख इंग्लिश में उसको डस्ट बोलते हैं। तो जब ये डस्ट जो है ये शरीर पे इसलिए लगाई जाती है कि इससे मन के जो अहंकार और जो सुंदरता है, जो ऐसी कई चीज़ें हैं, वो अपने आप कट के दूर हो जाती हैं। अच्छा बाबा, आप जब ये नागा साधु जब बने तो आपने बचपन में ही ये अपना लिया साधु का ये? हाँ, इस विषय में ज़रूर कहूँगा, क्योंकि जब मैं 8 साल का था तो कुछ ऐसी संसारिक घटना घटती हैं हर किसी के जीवन में जी। जो मेरे भी घटी और उसके घटने के कारण से बचा मैं आज साधु हूँ। और साधु बना तो हमारे गुरुजी बड़े विशेष हैं, उनकी कृपा पात्र से आज हम इस काबिल हैं कि आज हम कहीं भी समाज में खड़े हो सकते हैं, बोल सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं कह सकता कि मेरा जीवन का क्या होता। आपके गुरुजी का नाम क्या है? मेरे गुरुजी का नाम महामंडलेश्वर श्री सोमनाथ गिरी जी महाराज। अभी वो कहाँ रहते हैं? हमारा आश्रम जगजीतपुर कनखल हरिद्वार। हरिद्वार में रहते हैं बाबा। हम ये जानना चाहते हैं कि नागा साधुओं का मतलब क्या होता है? बेटा नागा सन्यासी का अर्थ होता है एक नागा फोर्स। फौज यानी कि जो धर्म के लिए तत्पर खड़ी रहती है। एक सेकंड में इसका नागा जब बनाया जाता है बेटा, तो नागा बनाने के लिए एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला पकड़ाया जाता है जी। भाला धर्म की रक्षा के लिए और माला अपने स्वयं की रक्षा के लिए, अपने मनो शांति के लिए, संसार में शांति का वातावरण देने के लिए माला होती है और धर्म की रक्षा करने के लिए भाला होता है जी। बाबा आप गले में माला पहने हुए हैं, इसमें कुछ दिखाए जा रहे हैं, मुंडी है। हाँ हाँ है ना। जरा बताएंगे इसका राज क्या है? भाई देखो, कुछ गहरी चीज़ें होती हैं जो मैं संसार में नहीं बताना चाहता, लेकिन फिर भी आपको हिंट दे देता हूँ। ये सब साधना से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और जो साधना से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं उसके बारे में विस्तार नहीं किया जाता, बखान नहीं किया जाता है, तो हम उसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताएंगे। बाबा ये जो आग जल रही है यहाँ पे, आप हमेशा आग जला करके यहाँ पे बैठे हुए रहते हैं? ये आग नहीं है, ये हमारे देवता हैं। अच्छा अच्छा बाबा, सॉरी। संन्यास में जब नागा बनता है एक सन्यासी, तो बेटा वो संसार से अपना वेद पुराणों से अपना रास्ता काट देता है और अब सब चीज़ों को छोड़ करके वो अपने रास्ते पे चलता है।
तो जब ये इस रास्ते पे चलता है तो उस रास्ते पे चलने के लिए उसको धुने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि भस्मी माता भस्मी पिता भस्मी तरण तारिणी, उसी प्रकार से धुना हमारे लिए देवता होता है, अग्नि हमारा देवता है और हम अग्नि के सेवक। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। आप अपना नाम बताएंगे बाबा? मनजीत गिरी कह देते जी, जोर से जरा। मनजीत गिरी। आप कहाँ से आए हैं? आप पानीपत हरियाणा। पानीपत हरी हरियाणा हरियाणा हरियाणा। अच्छा बाबा, आप किस अखाड़े से आते हैं? जूना अखाड़ा तेरह मड़ी बम्बोला परिवार। अरे जैसे कि बाबा तो ये नागा बाबा हैं, आप कौन से हैं? हम भी बाबा एक ही हैं। एक ही हैं? हाँ। लेकिन आप तो पूरे कपड़े पहने हुए हैं, तो उसका फर्क है। अब मैं बताता हूँ। देखो बेटा, नागा का अर्थ आप लोग नहीं समझ पाओगे पूर्णता से, तो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, इंग्लिश की एक कहावत है, मोर डीप यू गो द लेस यू फाइंड। इसका मतलब ये होता है बेटा कि जितना गहरे में तुम जाओगे उतना ही कम तुम पाओगे। नागा एक नागा कपड़े वाला भी होता है, एक नागा बगैर कपड़े के भी होता है। कपड़े में और बगैर कपड़े में क्या अंतर होता है बताते हैं। मैं भस्मी का कपड़ा पहना हूँ, बाबा जी ने वस्त्र का कपड़ा पहना है। कपड़ा कपड़ा ही है, कपड़ा यानी कि शरीर को ढकने की एक वस्तु, ठीक। तो ढकने के लिए क्यों चाहिए? समाज में एक मर्यादा भी दी जाती है, उस मर्यादा के आधार पे बाबा जी का स्थान समाज में है, शहर में है, जहाँ पब्लिक है, मैया है, बहने हैं, कई प्रकार की चीज़ें हैं। तो जब हम कुंभ में आते हैं तो कुंभ में स्पेशल जब भस्मी लगाते हैं तभी हम दिगंबर हो सकते हैं, यानी कि नागा हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते। हम समाज में कहीं भी नागा नहीं हो सकते बेटा। जैसा कि बाबा हमको पता था, जहाँ तक पता हमें था कि नागा बाबा का मतलब होता है, नागा बाबा का अर्थ होता है मतलब वो बिना वस्त्र के रहते हैं, यही चीज़ हमें पता था। आज हमें पता चला बाबा कि नागा का मतलब ये नहीं होता है। नागा का अर्थ बेटा ऐसा होता है, नागा एक बोला है ना, नागा एक शब्द भी होता है, नागा का एक आकार भी होता है, नागा एक शक्ति होती है, नागा एक अपने आप की बहुत बड़ी ऊर्जा होती है। नागा के शब्द के अंदर में ही जितना जाओगे, वही एक शब्द के ऊपर मैं पूरा दिन बोल सकता हूँ, सिर्फ नागा के एक शब्द पे। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जो नागा है ना, वो नागा बनाए क्यों जाते हैं, वो नागा क्यों बनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया इसके लिए।